हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, मतलब कुछ बताना अगर वो चाहते हैं, कुछ ऐसी बात जो कहना पा रहे हो आपसे, इस तरीके से आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है, क्या बताना चाहेंगे, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज गाइड कीजिए। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं वो क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ वैंड्स एंड डेवल, वर्ल्ड, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, हायरोफेंट, ओ माय गॉड, फोर ऑफ कप्स। गाइज, यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है और इस रीडिंग को आप शेयर जरूर करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग जानी चाहिए बिकॉज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आए हैं, ठीक है। आपके पर्सन कुछ ऐसा जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन क्योंकि उनकी हालत सही नहीं है वो नहीं बता सकते आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही, पता नहीं क्यों मैं यहाँ बैठी हुई थी और मुझे ये एकदम से टॉपिक आया जबकि मैं किसी और टॉपिक पर रीडिंग करने वाली थी, ठीक है। तो इस रीडिंग को आप एंड तक जरूर सुने गाइस, ठीक है। इसको मैं कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर दूंगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहे हैं जो आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, राइट। तो क्या मैसेज है गाइस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाइस, मेरा मन है कि मैं कुछ कार्ड्स मेजर अरकाना से भी निकालूं, वेट अ सेकेंड। कोई आएगा? ये आ रहा है, वर्ल्ड की एनर्जी दोबारा आई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोबारा आया है, रिपीट हो गए कार्ड मेजर अरकाना से, एंड हाई प्रीस्टेस यहाँ बॉटम से है गाइस, ये तो रिपीट हो गए कार्ड। ओफो, यहाँ डेथ की एनर्जी है, बहुत 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 ज्यादा हैवी एनर्जीज हैं गाइस, ठीक है, काफी ज्यादा हैवी एनर्जीज हैं। लेट मी अरेंज दीज कार्ड्स, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके गाइस, कुछ यहां से भी ले ही लूं मैं, पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है। यहां से क्या आना चाहेगा, फ्रेंडलीनेस, ओके ओके, वेट 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 वेट, स्लोइंग डाउन, ओके, आउटसाइडर, और कोई कार्ड अनफोल्ड हुआ, मस्टीन, एक और लास्ट क्या है, आइसोलेशन, ओके। गाइस देखिए, तीनों डेक मैं इसीलिए लिए थे, मैंने कहा कुछ और समझ में आ रहा हो तो। बहुत पेनफुल सिचुएशन है गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा पेनफुल, ओ माय गॉड, आपके जो भी पर्सन हैं, ओके। तो देखिए क्या है यहाँ पे, जिनको भी माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं उनके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है गाइज। और यहाँ पर जितने मैसेजेस आएंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सब बताऊंगी आपको, राइट। देखिए यहाँ पर पहला मैसेज आपके पर्सन का ये है, टेन ऑफ सॉर्ड्स,
आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि लोगों ने उनको चीट कर लिया, बैक स्टेप किया. यहाँ पर 10 शॉट्स लगी हुई हैं आपके पर्सन को, मतलब आपके पर्सन चीटेड फील कर रहे हैं. पहली बात जो आपको ये बता नहीं सकते, क्योंकि अब ये यू नो आपको कैसे बताएंगे, ठीक है. और यू नो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स, लेकिन इस पर्सन को इस वक्त में जस्टिस फेस करना पड़ रहा है. यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है गाइस इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त में. जैसे कहते हैं ना कि कार्मिक लेसन्स का समय चल रहा है और ये पर्सन कर्मा फेस कर रहे हैं, कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं बहुत स्ट्रांग. और कार्मिक्स के साथ डील करने का मतलब है कि वो तो आते हैं, आपको सिखाते हैं और जाते हैं, ठीक है. और आपको बिल्कुल इसी तरीके से फील होता है कि जिसके लिए मैं इतना करे जा रहा था या करे जा रही थी, वो कैसा निकला, उसने किस तरीके से मेरे को ट्रीट किया, ठीक है ना. तो ये लेसन्स भी होते हैं कहीं ना कहीं, और ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा भी रिलीज होता है. इस वक्त में मुझे कर्मा की एनर्जी, शनि यहाँ पर मुझे यू नो कर्मा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है. यहाँ पर मुझे जस्टिस दिखाई दे रहा है. ऑल्सो यहाँ पर यू नो मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, डेविल कार्ड के साथ. डेविल के नीचे हैरोफेंट है. देखिए पॉसिबिलिटी ये है गाइस, या तो क्योंकि हैरोफेंट कार्ड कहीं ना कहीं मैरिज को दिखाता है, ठीक है. अब ऐसा है गाइस कि या तो आप दोनों ही मैरिड हैं और इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि किसी कार्मिक पार्टनर को यहां पर ये लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है. और ये खुद ही लेकर आए हैं उस व्यक्ति को जिनके साथ भी इनका कर्मा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ था. या तो आपकी मैरिड लाइफ इन्होंने खराब की है, या फिर यू नो आपसे इन्होंने मैरिज करने का वादा किया था लेकिन इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली या करने जा रहे हैं, ऐसा कोई सीन है. लेकिन जो भी है गाइज, यहाँ पर कार्ड है डेविल का, ठीक है. तो जो भी है गाइज, ये पर्सन इस पर्सन का कार्मिक पार्टनर है, तो ये आया ही इसीलिए है कि ये पर्सन को यू नो यहाँ पर इस पर्सन का कर्मा रिलीज कराएगा, ठीक है. बहुत सारे लोग यू नो डरते हैं कार्मिक पार्टनर के नाम से डरते हैं, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत ज्यादा सुनते हो ना कि इसका रिलेशनशिप खराब हो गया, उसका रिलेशनशिप खराब हो गया, उसकी मैरिड लाइफ खराब हो गई, उसकी मैरिड लाइफ खराब हो गई. गाइज वो इसीलिए हो जाती है बिकॉज यहाँ पर आप लोगों का ही कोई पास्ट लाइफ कर्मा होता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस तरीके की चीजें होती हैं. इसमें यूनिवर्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं यूनिवर्स सुनते नहीं है. इसमें यूनिवर्स का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है. ये आप ही का पास्ट लाइफ कर्मा है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिसका सामान आपने यहां से यहां उठाकर लिया था, उसका सामान आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है. अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छा दें, क्योंकि लौटकर आप ही के पास आना है. दुनिया गोल है, जो फेंकोगे वही आके मुंह पर पड़ेगा, ठीक है. तो जब किसी को ब्लेम भी कर रहे हो आप तो सोच लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि यू नो आपने क्या किया था, ठीक है. तो जितना आप एक्सेप्ट करेंगे और जितना आप कम गलती करेंगे उतना बेटर है, बिकॉज इस पर्सन ने तो की है, ठीक है. यहाँ पर मुझे मैरिज से रिलेटेड स्ट्रांग मैसेज मिल रहे हैं, तो मैंने कंडीशंस बता दी. या तो आप दोनों की मैरिड लाइफ किसी डेविल ने खराब करके रखी हुई है, ठीक है. या फिर आपसे यहां पर कहा गया था कि आपसे आपके साथ मैरिज करने का वादा किया था, किसी और के साथ कर ली है या फिर करने जा रहे हैं, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है. लेकिन यहां पर रिलेटेड टू मैरिड लाइफ ही निकल कर आया है, ठीक है. और जो भी है गाइस, ये पर्सन बैक स्टेप कर रहा है आपके पर्सन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. और ये पर्सन आपको एक मैसेज और दे रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड के साथ, कि अब ये उस साइकिल में या उस इंसान के साथ या जो भी सिचुएशन उसमें ऐसा फंस गए हैं, ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं कि ये चाहकर भी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ये चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं सकते. अब इन्होंने किया तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा अब, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो ना तो उस काम से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं. जो भी आप काम करते हो उसका जो असर है वो सिर्फ आप पर नहीं पड़ता, आपसे जितने लोग जुड़े हुए रहते हैं उन सब पर उस चीज का असर पड़ता है, राइट. तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं जरूरी है कि आप ये देख लें कि आप यू नो क्या असर उसका होगा. अगर आप कोई डिसीजन बनाते हैं, अगर ये पर्सन यहां से निकलने का डिसीजन बनाते भी हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है. ये यहां से तब तक नहीं छूट सकते जब तक कि ये पूरी साइकिल को कंप्लीट नहीं करते, ठीक है. जब तक ये पूरे अपने लेसन्स को लर्न नहीं करते, जब तक ये अपने पूरे कर्मा को रिलीज नहीं करते, बिकॉज मेजर अरकाना से फिर से वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ठीक है. तो ये पर्सन
कि मैं ये देख रही हूँ कि यूनिवर्स की पूरी नजर इस पर्सन के ऊपर है, तो ये चीज वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर मैं यहां से कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, नहीं कर रही हूं या नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर मैं खुद ही एक इस साइकिल में हूं और इस सिचुएशन में मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो देखिए गाइस, अगर आप दोनों मैरिड हैं और आप वास्तव में इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर जितने भी मैरिड लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर वो अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आप कर्मा क्लेंजिंग यहाँ पर कर सकते हैं, इस पर्सन की तरफ से भी कर सकते हैं, ताकि ये रिलीज हो और आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर अनमैरिड लोग हैं और आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपके पर्सन है वो जिस भी कर्मा में स्टक है वहां से रिलीज हो जाएं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पर्सन की शादी हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पास यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को चांस देना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो उसको यूनिवर्स पर सरेंडर करें, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स देखते हैं रीडिंग को, उसमें से मैं कुछ लोगों को ऐसे पढ़ती हूँ कि वो ये बोलते हैं कि मैम मेरे पर्सन की शादी हो गई। तो भाई, जिनकी शादी हो गई आप क्या कर रहे हो फिर, ठीक है। तो आप उस समय पर ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को अपना इनर वर्क करें और आगे की लाइफ को देखें और यूनिवर्स पर सरेंडर कर दें, ठीक है। आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दें, क्योंकि अगर आप फिर भी स्टक हैं तो शायद आपको एक बार सोचने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा मैसेज मिल रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ गाइस, ठीक है। और जो मैं ये सभी के लिए बोलती हूँ गाइस, ठीक है, जो मैरिड भी हैं, जो जिनके पर्सन मैरिड हैं उनके साथ ऑलरेडी, और उनके बीच में भी कोई ऐसी चीज आ रही है, तो अगर वो एक चांस इस पर्सन को देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो जो भी है गाइस, आप लोगों के माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। मैं यहाँ पर जनरल रीडिंग कर रही हूँ और यहाँ पर जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगेन कार्ड है 7 of Wands एंड पेज ऑफ वैंड, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि इन्होंने बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर यहाँ पर दिखाया है और ये इस चीज को मान रहे हैं, ये अपनी बात को मान रहे हैं कि इस पर्सन ने बहुत इमेच्योर बिहेवियर दिखाया और अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट करने की कोशिश की है। ये अगर उसी वक्त अपने दिमाग से काम लेते, अपने दिल से काम लेते, तो शायद ज्यादा बेटर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने दिल से काम नहीं लिया और ये कहीं ना कहीं लेसन है इस पर्सन के लिए, ठीक है। हालांकि लेसन तो है गाइस, लेकिन कर्मा भी था, ठीक है। तो लेसन भी ले रहे हैं और कर्मा भी ले रहे हैं, ये चीज वो आपको बता रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर 5 of Cups के साथ 9 of Pentacles का कार्ड है, ओके। सो यहाँ पर 5 of Cups की एनर्जी दिखा रही है गाइस कि जो भी तीसरा इंसान आप लोगों के बीच में आया है, ये जो भी हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके आपकी कनेक्शन को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान को भी दिखाता है जिसकी निगरानी में सारी चीजें होती हैं, जो कहते नहीं कि घर का मुखिया है, जो सबके डिसीजन लेता है कि कौन क्या करेगा। ये कोई मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, राइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटी लग रही है। सो जो भी है, लेकिन जहां पर भी देखो, कभी कभी मदर और फादर भी, उनको नहीं पता होता है, वो तो डिसीजन लेते हैं समाज को देखकर, और वो अपने हिसाब से तो अपने जो भी उनके बच्चे होते हैं उनके लिए वो अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो सोचने का जो तरीका या नजरिया होता है वो 3D लेवल पर होता है, ठीक है। लेकिन इंसान को क्या मिलेगा वो उसके भाग्य में लिखा होता है, जो उसको वही मिलता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपके बीच में कुछ इस तरीके के भी इश्यू हो, बिकॉज यहाँ पर डेविल कार्ड के साथ मुझे, हेरोफेंट कार्ड के साथ मुझे ये एक एनर्जी मिलती है यहाँ पर कि ये कोई कंट्रोलिंग इंसान भी हो सकता है घर का, जिसकी बहुत चलती है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं हर्ट है, ठीक है। तो अगर इन्होंने भी कोई ऐसा डिसीजन लिया था अपने अपने इस पर्सन के लिए, तो यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन टोटली नेगेटिव एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इनकी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ ड्रेन करेंगे, आपके पर्सन को ड्रेन करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। सो ये भी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ये चाहते हैं इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना अपनी लाइफ में, कुछ इंडिपेंडेंट अपने, यू नो कहते नहीं कि जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम ये फेस करना चाहता है इंसान, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, लेकिन वो जो जिसमें फंस गया उधर से निकलना भी आसान नहीं होता है, उस प्रॉब्लम से निकलना भी आसान नहीं होता, स्पेशली जब बात किसी रिश्ते की हो, राइट। तो जब भी आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको अपने इंट्यूशंस की सुनने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी इंट्यूशंस और ईश्वर दो लोग गलत नहीं होते। तो जब भी आप कोई डिसीजन बना रहे हैं तो दो लोगों से जरूर सवाल करें, एक तो अपने इंट्यूशन से और दूसरे ईश्वर से, या फिर ईश्वर को सरेंडर करके करें, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दे ही देते हैं, तो ये आपके पर्सन बताने की कोशिश कर रहे हैं। विथ हाई प्रीस्टेस कार्ड यहां पर मुझे ये लग रहा है जैसे अगेन वही एनर्जी है गाइस की, हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मदर का रोल बहुत स्ट्रांग हो सकता है। हाई प्रीस्टेस ऑल्सो मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। हेरोफेंट कार्ड के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मदर या फादर हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है गाइस की ये पर्सन इनके साथ जो भी है इनके साथ की कर्मा में ही फंस गए, ठीक है। ये कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड, इनको ये साइकिल तो अब घुमानी पड़ेगी, ठीक है। और ये आपके पर्सन यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्टक सिचुएशन में है अब, ठीक है। यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन ये बोलना चाहते हैं आपसे कि ये सही समय पर आपको ये ऑफर देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दे पाया, इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, इन्होंने काफी ज्यादा इमेच्योरिटी दिखाई, ठीक है। इस पर्सन ने काफी ज्यादा इमेच्योरिटी दिखाई। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर एक वाइब आ रही है जैसे कर्मा की वाइब तो है, ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन का भी कुछ रोल रहा है, मतलब ये पर्सन हो सकता है कि आपको लेकर पूरी तरीके से क्लियर ना हो, ठीक है। मतलब इस तरीके की डिसीजन अगर इंसान लेता है तो वो दो ही सिचुएशन में लेता है, जब या तो उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है तब वो डिसीजन लेता है, या फिर वो डिसीजन लेता है कि उसके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे आपके पर्सन की माइंड में अगर आपको लेकर कोई क्लैरिटी ना हो और उनका माइंड इसी तरीके से भ्रमित हो तो वो यहाँ पर इसी तरीके के डिसीजन बनाते हैं, और फिर कर्मा है, जस्टिस है, ठीक है। तो फिर इससे तो कोई नहीं बच रहा गाइस, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है बिकॉज यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है, ये आपकी पर्सन बताना चाहते हैं। फिलहाल तो आपकी पर्सन अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेशन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ भी थ्री की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में उसने आपके पर्सन को अकेला कर दिया है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्रेंडलीनेस कार्ड के साथ आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप को आपको काफी मिस कर रहे हैं, ठीक है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी से ये पर्सन आपको ये बता रहे हैं कि बहुत स्लो हो गई है इस पर्सन की लाइफ, आउटसाइडर के लिए तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब खुश हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ यही पर्सन दुखी है, ठीक है। तो ये चीजें नजर आ रही हैं मुझे, ओके, ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं गाइस। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन के साथ और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, ये कर्मा रिलीज हो जाए, तो आप यहाँ से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके पर्सन का कर्मा रिलीज हो जाए और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, राइट। और आप दोनों की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई मैरिज करना चाहता है, दोनों ही अनमैरिड है, मैरिज करना चाहते हैं और कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कनेक्शन को, तो भी आप यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं और अपने कर्मा को रिलीज कर सकते हैं ताकि जो ब्लॉकेज है उस कनेक्शन में वो रिलीज हो जाए, राइट। और यहाँ पर बाकी गाइस मैंने आपको बता दिया, ये आपके पर्सन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ओके। सो गाइज ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।